हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो के अंदर। देखो, राजस्थान में जो वर्क फ्रॉम योजना है उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी महिलाएं हैं राजस्थान की, उनको वर्क फ्रॉम योजना से जोड़ने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। अब जो भी महिलाएं इस योजना में आवेदन करके अपने घर के ऊपर वर्क फ्रॉम योजना का लाभ उठा सकती, तो वीडियो को पूरा देखिए, इसमें आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। देखो, वर्क फ्रॉम योजना का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। रोजगार एवं आजीविका जो क्षेत्र, उसमें महिलाओं को योगदान देने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा, और महिलाएं आगे चलकर आत्मनिर्भर बन सके, इसलिए इसका रोजगार प्राप्त कर सके, तो वर्क होम योजना की शुरुआत कर दी गई है। नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है। जो भी महिलाएं आवेदन करना चाहती है तो इस वीडियो को आगे तक देख सकती है। राजस्थान की जो महिलाएं आवेदन करेगी वो राजस्थान की मूल निवासी होगी तभी इसके लिए आवेदन कर सकती है। जो अलग राज्य की होगी वो महिलाएं आवेदन नहीं कर सकती है। ओनली ये योजना राजस्थान की महिलाओं के लिए शुरू की गई राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अब इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए और आवेदन कैसे करना है, जो भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी बोर्ड की स्क्रीन के ऊपर, तो वीडियो को आखिर तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। क्योंकि राजस्थान की जो भी योजनाएं, जो भी नई नई भर्तियां आती है, किसी भी राज्य की जो भी नई भर्तियां आती है, राजस्थान की योजना आती है, किसी भी राज्य की जो भी योजनाएं आती है, तो मैं इस वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन ऑन करके रखिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा जो भी योजनाएं आती है। अब चलते हैं हमारे बोर्ड की स्क्रीन के ऊपर, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम योजना की जानकारी आपको बताता हूं। तो दोस्तों, आ चुके हैं बोर्ड की स्क्रीन के ऊपर, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना 2023। इसकी डेट वो आ गई है फॉरम अप्लाई करने की। ये योजना है फिर से शुरू कर दी गई है। अब जो भी महिलाएं हैं आवेदन करना चाहती है तो इस वीडियो को आगे तक देख के आवेदन कर सकती है। या जो भी कोई भाई बहन है अपनी बहन का या अपने घर में किसी का भी फॉर्म भरना चाहता है, उस वीडियो को आखिर तक देख सकता है। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना का नोटिफिकेशन जारी किया गया। रोजगार एवं आजीविका क्षेत्र के महिलाओं का योगदान को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्क फ्रॉम होम योजना की शुरुआत कर दी गई है। इस योजना में राजस्थान की मूल निवासी महिलाओं को घर बैठे रोजगार का प्रदान किया जाएगा। अब देखो, इसमें इस वीडियो का पूरा देखना, किस महिलाओं का आवेदन कर सकते हैं और किस महिला को इसमें आवेदन करने के लिए मौका दिया गया है, वीडियो पूरा देखना, पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना का नोटिफिकेशन निदेशालय महिला अधिकारिता झालाना संस्थान जयपुर क्षेत्र की ओर से जारी किया गया। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के लिए पोर्टल जारी कर दिया गया। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन वो भी शुरू हो गए हैं। अब देखो, इसमें किस महिला को इसका लाभ मिलेगा वो आपको बताऊँगा आगे। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के आधारित दिख पोर्टल पर लगभग 18 से अधिक कंपनियां के द्वारा ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए जा रहे हैं। इसमें महिलाएं अपनी योग्य के अनुसार ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकती है। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के आगामी वर्ष 20,000 महिलाओं को इस योजना का लंबवत किया जाएगा। महिलाओं को उनकी अभिरुचि एवं क्षमता में ध्यान में रखते हुए वर्क फ्रॉम होम योजना से जोड़ा जाएगा। जो महिलाएँ वर्क फ्रॉम होम योजना में आवेदन कर लाभ उठाना चाहती है, आवेदन करना चाहती है, तो आवेदन कर सकती है। आवेदन वो शुरू हो चुके हैं। अब इस योजना का उद्देश्य वो किस प्रकार से, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम योजना का, महिलाओं को उनकी अभिरुचि एवं क्षमता में ध्यान में रखते हुए वर्क फ्रॉम होम योजना जॉब से जुड़ सकती है। अगर कोई महिलाएँ जुड़ना चाहती है, तकनीकी कौशल एवं अन्य किसी क्षेत्र में दक्ष महिलाओं को जो वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत इच्छुक है, उनको राजकीय विभाग संस्थानों में सार्वजनिक उपक्रमों में निजी क्षेत्र में वर्क फ्रॉम होम जॉब के अवसर वो प्रदान करने हैं। अब आगे इसमें चलते हैं, एलिजिबिलिटी वो क्या रखी गई है, किस महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। देखो, महिला अभ्यर्थी राजस्थान की मूल निवासी होगी तो ही उसको लाभ मिलेगा। जो राजस्थान की महिलाएँ हैं उनके लिए योजना शुरू की गई है। जो अन्य राज्य की महिलाएँ उनको लाभ नहीं दिया जाएगा, ओनली राजस्थान की महिलाओं को ही लाभ दिया जाएगा। महिला अभ्यर्थी न्यूनतम 18 वर्ष उनकी उम्र होनी चाहिए। आवेदन करने की तिथि को आधार मानकर की जाएगी। जो लास्ट डेट आपके आयु की गणना होगी वो जो मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम योजना के लास्ट डेट है उसकी अंतिम तिथि को आधार मानकर की जाएगी। 18 वर्ष से जो भी ऊपर है वो महिलाएं आवेदन कर सकती है मुख्यमंत्री अनुपर्ती कोचिंग योजना के लिए। अब देखो, इसमें आपको प्राथमिकता किस किस महिलाओं को दी जाएगी, किस किस महिला, जो महिला इसमें आवेदन कर सकती है, किस महिला को इसका लाभ दिया जाएगा वर्क फ्रॉम होम योजना का। देखो, इसमें सबसे पहले विधवा महिलाएं हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। जो भी विधवा महिलाएं हैं उस महिला को लाभ मिलेगा इसमें। उसके अलावा जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, प्रतिष्ठा तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनको लाभ मिलेगा। दिव्यांग महिलाएं हैं, विकलांग वगैरह, उस महिला को लाभ मिलेगा। हिंसा से पीड़ित, यानी हिंसा से पीड़ित है, जो भी हिंसा से पीड़ित है, अपराध से, उनको इसका लाभ मिलेगा।
देखो इसमें प्राथमिकता है विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग वगैरह जो महिलाएं उनको दिया जाएगा, जो सिंपल महिलाएं हैं उनको लाभ नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे चल आपकी जो गाइडलाइन है मुख्यमंत्री जो वर्क फ्रॉम योजना की गाइडलाइन है वो इस प्रकार से है। देखो महिला अधिकारिता द्वारा DOIT TC के मध्य पोर्टल तैयार करवाया जाएगा। इस पोर्टल पर होम वर्क फ्रॉम होम योजना के अवसर उपलब्ध कराने के लिए नियोजनकर्ताओं से जोड़ा जाएगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु निदेशालय महिला अधिकारिता योजना कार्यान्वयन इकाई गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा नियमानुसार कार्य किए जाएंगे। विभिन्न विभाग द्वारा लक्ष्यों को अनुरूप महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम योजना से जोड़ने के पोर्टल पर डेटा प्राप्त डेटा का विश्लेषण तथा रिपोर्ट जनरेक्शन करनी होगी। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के नियोजन में संपर्क सम्मानित जो भी महिलाएं हैं उपलब्ध वर्क फ्रॉम होम योजना का अवसर पहचान करना होगा। इन महिलाओं को इसमें जोड़ा जाएगा, जोड़ना होगा। योजना के औद्योगिक संस्थानों में जोड़ने तथा उनके संवेदीकरण हेतु कार्यशाला सेमिनार इत्यादि का आयोजन होगा। योजना के माध्यम से वर्क फ्रॉम योजना के लाभवत जो भी महिलाएं हैं समय समय पर अपने टैक्सिंग मॉनिटरिंग कर विभाग को रिपोर्ट करनी होगी जो अपने अटेंडेंस। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम योजना की ये थी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप फॉरम भरना चाहते हैं तो फॉरम भर सकते हैं मुख्यमंत्री नवप्रतीक कोचिंग योजना के लिए।